Hey everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well, wishing you a very good health and prosperity. So, आज का ये वीडियो रिव्यू वीडियो होने वाला है वाइटी के ऊपर. एक्चुअली मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, उस पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, तो मैंने सोचा इसका रिव्यू वीडियो करते हैं. बिकॉज मुझसे किसी ने पूछा था कि कौन सा वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं वो दिखाऊंगी. जैसा रिव्यू वीडियो मैं जो यूज़ कर रही हूँ उसका मैं आपको रिव्यू बता रही हूँ कि वो कैसा है, सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल रहे. तो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. आज मैं मॉर्निंग के टाइम पर शूट कर रही हूँ और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे फ्लैट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में, जो दिन भर आवाज़ आते रहती है. तो मैंने टी मॉन्ग की वाइट टी परचेज़ की थी. मैंने इसका रैपर फेंक दिया है, फिर भी मैं यहाँ पे इमेज आपको डाल देती हूँ कि मैंने कौन सा परचेज़ किया है. मैंने उसको इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था, इस डब्बे में. तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, मैंने 100 ग्राम्स का लिया था और ये मुझे 380 का पड़ा था. तो अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूं तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी है. दार्जिलिंग से सेम टी लेकर आया था मैंने, तो जब मैं इसकी टेस्ट और उसकी टेस्ट अगर मिलाती हूं तो इसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है. और इसका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तो बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगा. इसके लिए आप हनी ऐड करके और लेमन भी ऐड करके इसको पी सकते हो. मैं इसकी एक्सपायरी डेट की बात करूँ तो ये 18 मंथ तक आप यूज़ कर सकते हो, एंड FSSAI से ये सर्टिफाइड भी है. लेट मी शो यू. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका कलर कुछ डार्किश ग्रीनिश सा है, और मैंने होल लीव्स वाली ली थी, तो आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप होल लीव भी लो, ज़्यादा अच्छा रहता है वो. और ये मैंने अमेजन से परचेज़ की थी, मैं आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. सो अब बारी आती है बेनिफिट्स की, तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. सो मैं यहाँ पे आपको 5 बेनिफिट्स बताने वाली हूँ वाइट टी के. सो नंबर 1, इट हैज़ हाई एंटी ऑक्सीडेंट, जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल्स एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से फ्री रखता है. नंबर 2, इट सपोर्ट्स हेल्दी स्किन. ये फाइन लाइन रिड्यूस करने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक एंटी एजिंग के लिए ओवरऑल बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग में ये हेल्प करता है. नंबर 3, इट प्रोमोट्स ओरल हेल्थ. इट हैज़ एंटी माइक्रोबायल प्रॉपर्टीज विच हेल्प इन कॉम्बैट वायरस एंड बैक्टीरिया फ्रॉम द माउथ. सो नंबर 4, इट मे रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज. द एंटी ऑक्सीडेंट इन वाइट टी कैन रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, लोअर ब्लड प्रेशर, एंड कैंसर से भी टैकल करने में इट कैन हेल्प. सो ये ओवरऑल हार्ट फंक्शन को इन्हांस करता है. नंबर 5, इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट. सो ऑफकोर्स वेट लॉस में भी ये हेल्प करता है. तो अब मैं यहाँ पे डूज एंड डोंट्स की बात करने वाली हूँ, लाइक इनटेक के बारे में, कि आपको कितना इनटेक करना चाहिए. सो मैं अगर अपना बताऊँ तो मैं वीक में 2 टाइम्स लेती हूँ, बिकॉज मैं जब भी इसको रेगुलर बेसिस पे लेने लगती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वेट रिड्यूस हो जाती है. सो मुझे अपनी वेट रिड्यूस नहीं करनी है. सो आई वुड सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में 1 टाइम ले लो और इवनिंग में 1 टाइम ले लो, 2 टाइम से ज़्यादा आप मत लो. और अगर आपको वेट लॉस नहीं करना है तो आप भी मेरी तरह 1 वीक में 2 बार ही ले सकते हो. सो इसको कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई भी पी सकता है. बॉयज़ तो बिल्कुल भी अपने फेस पे ध्यान नहीं देते, अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देते, लाइक 70% नहीं देते, 30% होंगे जो बहुत ज़्यादा देते भी हैं. सो ये वीडियो उनके लिए भी है, जैसे मिल्क वाली टी पीते हो, राइट? सो आप एक बार मिल्क वाली टी पी लो और एक बार आप ये वाइट टी बना के पी लो. सो इट्स टोटली अप टू यू. ऐसा नहीं है कि आपको ये पीना है तो आप बिल्कुल मिल्क वाली टी छोड़ दो. बहुत लोगों की हैबिट होती है, मेरी नहीं है, और आई डोंट नो ये अच्छी है बुरी है. तो मुझे अगर कभी भी कुछ पीना होता है तो मैं इस टाइप की, जैसे मैं ग्रीन टी या तुलसी टी या वाइट टी यही सब पी लेती हूँ. क्योंकि बचपन में हमें बहुत मार पड़ती थी अगर हम ज़्यादा टी डिमांड करते थे. मम्मा को देखते थे पीते, तो हम भी, मम्मा हमें चाय दो. मम्मा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि बच्चे चाय नहीं पीते. और अभी ऐसा हुआ है कि टी की आदत ही नहीं लगी, तो मैं वाइट टी से काम चला लेती हूँ. अब बारी आती है कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है. तो मैंने एक शॉर्ट में बनाया था, मैं यहाँ पे भी वो क्लिप्स डाल देती हूँ, आप ये देख लो. तो कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसको प्रिपेयर करना बहुत ही आसान है. आप हॉट वाटर या कोल्ड वाटर आप किसी में भी इसको डाल के 5 to 10 मिनट्स आप उसको उसमें रहने दो, उसके बाद स्ट्रेन करके इसको पी लो. सो इसी ही मैंने भी एक रेडी करके रखा है. तो इसका कलर आप देखो. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पूरा टेबल स्पून या टी स्पून भर के ही लो, आप थोड़ा सा भी ले सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून ही लेकर बनाया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ऑलरेडी 1 कप ले लिया है, तो ये मेरी 2री कप है, इसलिए मैंने इसमें हाफ ही डाला है. इसका दूसरा भी तरीका है, आप दूसरे वे में भी पी सकते हो. अगर आपको ऐसे नहीं पीना है तो आप क्या करो, इन्फ्यूज़र बॉटल आता है ना, उसमें आप इसको डाल के रात भर छोड़ दो और पूरे दिन यही पानी पियो. लाइक समटाइम मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल हाफ टी स्पून इसमें ये इसके लीव्स डाल देती हूँ और पूरे दिन वही पानी मैं पी लेती हूँ. सो या किसी भी तरह इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे लेना चाहते हैं. जस्ट मैंने बताया कि इसको किस किस वे में आप ले सकते हो.
सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अपने दोस्त फैमिली फ्रेंड्स सबके साथ इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए, खूब सपोर्ट कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, सी यू सून अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।